मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार दोपहर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो काम बीते 9 वर्षों में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इन 9 वर्षों की विकास यात्रा को जनता के बीच ले जाएं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण मोदी सरकार की पहचान है। पिछले 9 सालों में देश की दिशा और दशा दोनों बदली है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतेगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा ने एक नया रास्ता अपनाया है, भाजपा सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है। अखिलेश ने इस दौरान तंज कसा कि हम तो पहले ही से ही सॉफ्ट हैं, अब समय तो कठोर होने का आया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक जनसभा के दौरान कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सांसद का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। सांसद ने कहा, कभी अश्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, तब कहीं जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कहकर मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें कि शोहरत, अपनी दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। कभी अश्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में लिया जाता है, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको समझ में आया फिर से इसको मैंने कहा, अस्त गम और कभी जहर दिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है, ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रविवार को सपा की तरफ से मेधावियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सपा सांसद डिंपल यादव पहुंची। उन्होंने घर घर जाकर मेधावियों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। वहीं साथ ही में दिल्ली में आंदोलन पर बैठे पहलवानों की मांगों का पूर्ण समर्थन किया। कहा कि पहलवानों के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुरादाबाद पहुंचे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने मंच से ही जनता को संबोधित कर भाजपा सरकार की 9 सालों की उपलब्धियां गिनाई और इसके साथ ही आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ऑनलाइन गेम खिलाने की आड़ में चल रहे धर्मांतरण सिंडिकेट में गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस सिंडिकेट में अब तक मुख्य आरोपी माने जाने वाले शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो को गाजियाबाद पुलिस ने रविवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला मुख्यालय अलीबाग से गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि पुलिस इसे लेकर सोमवार तक गाजियाबाद पहुंच सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा, इस समय समाज में सुधार की जरूरत बहुत ज्यादा है। फिलहाल देश में कॉमन सिविल कोड लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, देश में वैसे ही बहुत सारे कानून हैं। या फिर हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसलिए देश में कोई कॉमन सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा अवैध मजारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन काफी गुस्से में आ गए हैं। सपा सांसद ने इस बाबत कहा है, ऐसे किसी भी धार्मिक स्थल को हाथ न लगाया जाए, कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि किसी ने जनता ही खड़ी हो जाए, जिस प्रकार से श्रीलंका में बाहर आ गई थी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी वो वक्त आ रहा है जब सब लोग बाहर निकल आएंगे और हिंदू मुसलमान मिलकर इन लोगों को सबक सिखाएंगे। उत्तरकाशी के पुरोला में हुई घटना का सीएम धामी ने संज्ञान लिया। सीएम धामी ने कहा, किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं है, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें, उत्तरकाशी में पिछले दिनों लव जिहाद के एक मामले को लेकर बहुत बवाल हो गया था, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने जिहादियों को मकान दुकान खाली करने के पोस्टर चिपका दिए हैं।